फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट जब डिस्पैच किया जाता है तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है एक मैसेज आ जाता है जिसमें स्पीड पोस्ट नंबर होता है। उस स्पीड पोस्ट नंबर से आप अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को बहुत ही इजिली लाइव जो है ट्रैक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट किसी भी चीज़ को कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं उस ट्रैकिंग नंबर से। फ्रेंड्स मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च में यहां आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट ट्रैक स्टेटस। टाइप करने के बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपके सामने पहला ही यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ट्रैक कंसाइनमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होके आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ बहुत ही आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे कंसाइनमेंट ही आपको रखना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है अपना कंसाइनमेंट नंबर। आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा आर्टिकल नंबर और उसके बाद लिखा होगा JN, इस तरीके से कोई नंबर लिखा होगा, लास्ट में IN लिखा होगा, वही नंबर यहां पर आपको टाइप करना है। और टाइप करने के बाद ये जो कैप्चा जिस तरीके से लिखा हुआ है वो कैप्चा यहां पर टाइप करना है। अगर ये आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस रिफ्रेश पे क्लिक करके इस पर आप दूसरा कैप्चा भी ले सकते हैं। क्लिक करते ही यहां पे कैप्चा यहां पे चेंज हो जाएगा तो वो यही वाला आपको कैप्चा यहां पर टाइप करना है। उसके बाद सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं उसका सारा डिटेल्स यहां पर नीचे आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 27/7/2023 को वो जो है दादर BPC से आइटम जो है बुक हुआ था, यानी जो भी हो आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो वो वहाँ से डिस्पैच हुआ है। यहाँ लिख रहा है आइटम डिस्पैच हुआ है दादर BPC से, यहाँ फिर मुंबई में आया है। यहाँ देख सकते हैं मुंबई में है दादर और यहाँ से डिस्पैच होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कौन से डेट को किस टाइम में पटना आया है, फिर यहाँ रिसीव किया गया है, फिर यहाँ रिसीव करने के बाद फिर पटना से यहाँ डिस्पैच हुआ है। डिस्पैच किस तारीख को हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्पैच होने के बाद फिर देख सकते हैं छपरा आया हुआ है, यहाँ पे डेट देख सकते हैं, उसका टाइम देख सकते हैं, फिर उसके बाद सिवान आया, फिर उसके बाद गोपालगंज आया और फाइनली ये हमारे एड्रेस पे आ चुका है। मैं आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, इसी तरीके से आपका भी दिखाएगा कि कौन से डेट को कौन से टाइम में कहाँ से डिस्पैच हुआ है, वो कब का डिस्पैच हुआ है, सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं फाइनली जो है वो आइटम डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है आइटम डिलीवर्ड, ये आइटम डिलीवर्ड कर दिया गया है, यानी ये जो है सामान हमें मिल गया है। यहां पे लिखा भी हुआ है कि बुक कहां से हुआ था, किस तारीख को हुआ था, कौन से डेट को हुआ था और यहाँ पे कहाँ पे पहुँचाना है। डेस्टिनेशन पिन कोड, आपके एड्रेस का पिन कोड यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पर आर्टिकल टाइप किस टाइप का आर्टिकल है और यहाँ पर लोकेशन लिखा होगा डिलीवरी लोकेशन और यहाँ फाइनली देख सकते हैं डिलीवरी कौन से डेट को हो गया है, यानी किस डेट को यह हमें मिल गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने किसी भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट का इसी तरीके से स्टेटस चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।